के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए ना आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचतानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी है जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी। वीरेंद्र भैया के आने का टाइम हो गया है, मुझे सब परफेक्ट करना है वरना भैया गुस्सा हो जाएंगे। अरे कौन गुस्सा हो जाएंगे, कौन आ रहे हैं? वीरू। कौन वीरू? हाउ डेयर यू, उन्हें वीरू कह के मत बुलाना, वीरेंद्र भैया कहना। तुम्हारे मुंह से वीरू सुनेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। कौन है तुम्हारे गुस्सा भैया? वीरेंद्र भैया मेरे दिल्ली वाले कजन, उनका फोन आया था, वो यहाँ आने वाले हैं 2 दिन के लिए और उन्हें सब परफेक्ट चाहिए। और सुनो, वो डिसिप्लिन के मामले में बहुत पक्के हैं, उनके सामने बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना, समझे? क्या जय, तुम भी ना। जय सीधे खड़े रहो, ऐसे बिल्कुल मत करना वरना गुस्सा हो जाएंगे। बैग यहाँ क्यों रख रहे हो? तो कहाँ रखूँ? इधर उधर बिखरी चीजें देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, पकड़ो इसे। क्या जय, तुम कितना गुस्सा करी हो खामखा? मुझे टेंशन हो रही है यार। ये क्या कर रहे हो? चना खा रहा हूँ। चना खा रहे हो? चना अंदर रखो। अरे तो उन्हें ये सब पसंद नहीं है जय। और उन्हें क्या क्या पसंद नहीं है जरा ये भी बता दो। नीची रखो, ऊंची आवाज में बात करना उन्हें पसंद नहीं है। डाइनिंग टेबल पे खाना खाओगे तो बातें मत करना। और सुनो, जोर से म्यूजिक मत सुनना। और ये क्या है? क्या दाग वाला शर्ट? जय तुमने दाग वाला शर्ट पहना, ये देखियो वो गुस्सा हो जाएंगे। अरे ये तो ब्यूटी स्पॉट है जय, रिलैक्स। स्पॉट माय फुट जय, जाओ जाके चेंज करके आओ। अरे मैं इतने रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहूंगा जय। देखो जय, वीरेंद्र भैया है ना, उन्हें जब गुस्सा आता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट उनके हार्ट पर होता है। कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा ना? ओह नो, डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए उन्हें लाफ्टर थेरेपी यूज करनी चाहिए। हाँ। तो वो वही करते हैं। फिर ठीक है। जय अच्छा के चेंज करके आओ प्लीज। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे मुसीबत भैया, मुसीबत नहीं वीरेंद्र भैया, कितने दिनों तक यहाँ पर रहेंगे? 2 दिन। 2 दिन? 2 ही दिन का तो सवाल है जय। ठीक है, चलो जाके चेंज करके आओ। चलो ठीक है, जाता हूँ, जल्दी जाओ ना। सॉरी वीरेंद्र भैया। हाँ तुम दरवाजा खोलो। नहीं तुम खोलो। नहीं नहीं तुम खोलो। जय तुम खोलो ना, तुम्हारे भैया है ना। अच्छा अपने बटन बंद करो। अरे ये तो मेरा स्टाइल है, क्यों बंद करूं? जय ये स्टाइल हमको मरवाएगा। अरे नहीं मरवाएगा। चलो साथ में खोलते हैं। वीरेंद्र भैया, नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? Oh, I'm cool. I mean, मैं ठीक हूँ। जय जय वीरेंद्र भैया। जय नमस्ते वीरू। क्या मैं तो मजाक कर रहा था। नमस्ते वीरेंद्र भैया। मजाक? तुमने इसे कहा नहीं कि मुझे मजाक पसंद नहीं है? कहा था वीरेंद्र भैया, लेकिन वो भूल गए। भूल? बिंदिया कहाँ है? बिंदिया? बिंदिया कहाँ है? बिंदिया तो ऑफिस में है। क्या? नहीं वो स्टाफ,
मैं तुम्हारे माथे की बिंदिया की बात कर रहा हूँ। वो एक्चुअली सब कुछ परफेक्ट करने में यही लगाना भूल गई। फिर भूल गई? तुम्हारे इस भूलने की बीमारी से मैं बहुत परेशान हूँ। इधर आओ। आगे से भूलना नहीं। नहीं नहीं। ओके, हाँ जी। चल, अंदर चलिए ना। हाँ हाँ चलो। आइए इधर। आइए 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 भैया भैया आप इधर बैठिए। हाँ हाँ बैठिए। आराम से बैठेगा। थैंक यू। बताइए तो अंकल आंटी और जितेंद्र कैसे हैं वीरेंद्र भैया? अंकल आंटी तो बिल्कुल ठीक है, पर उस जितेंद्र के आते वक्त में दो तमाचे मार के आए। क्या? पर क्यों? बदतमीज को अकल नहीं है। क्या किया उसने? वो मेरे सामने टांग पे टांग रख के टीवी देख रहा था। तुम बताओ टांग पे टांग रख के बैठना अच्छी बात है? नहीं नहीं, बहुत बुरी बात है। क्या बात है, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? Shut up. कुछ नहीं, वो आपके शर्ट पे छोटा सा ब्यूटी पैच है। बदतमीज जी? तुम नहीं, वो बदतमीज। वो बदतमीज एयरलाइंस के ऑफिस में आके मुझसे टकरा गया। बोलो, टकराने से दाग? वो एयरलाइंस के ऑफिस में कॉफी हाथ में पकड़ के इस तरह से टहल रहा था जैसे कोई गार्डन में टहल रहा हो। मुझसे टकरा कर उसने अपनी कॉफी मुझ पर उड़ेल दी। आप जले तो नहीं? नॉट, कोल्ड कॉफी थी। एनीवेज जस्ट कूल इट, सब ठंडे हो जाइए। अरे मैं ठंडा ही तो हो गया था। सब भूल जाइए ना। हाँ, ऐसे ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं? अरे मुझे मीटिंग की जल्दी नहीं होती तो मैं उसका हाथ फ्रॉड के उसकी टांग तोड़ देता। ये मेरा हाथ है। सॉरी 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 सॉरी। वीरेंद्र भैया, अपना शर्ट चेंज कर लीजिए। चलिए। देखो जमुना, मैं सुबह की फ्लाइट से आया हूँ और मेरी मीटिंग खत्म हो चुकी है। शाम की फ्लाइट से मेरी टिकट ऑलमोस्ट कंफर्म है, इसलिए मैं अपने कोई कपड़े लेकर नहीं आया। नेवर माइंड, अब जय का शर्ट पहन लीजिए। जय? वेल, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे कमरे में जाके चेंज करता हूँ। तुम लेके आओ अपनी शर्ट। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। हमारे कमरे में नहीं जा सकते। क्यों? सब गंदा पड़ा हुआ है। ओ भैया के कमरे में ले जाओ, उनका शर्ट दे दो। चलो। इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? कब से बेल बजा रहा हूं मैं? क्या हुआ भैया? भाग गया इसलिए बच गया, वरना दूसरी कॉफी लेकर ना उसकी शर्ट पे डाल देता। ओम भैया भाग गए? लो, ओम भैया की शर्ट में ब्यूटी स्पॉट नहीं, पूरा ब्यूटी पैच है। बदतमीज। नहीं यार, वो बदतमीज इंसान जो एयरलाइंस के ऑफिस में मुझसे टकरा गया। हाँ, मैं एयरलाइंस के ऑफिस गया था, कॉफी पी रहा था, तो एक इंसान वहां ऐसे टहल रहा था जैसे गार्डन में घूम रहा हो, बिना देखे मुझसे टकरा गया और यार कॉफी शर्ट पे गिर गई। लेकिन अब जले तो नहीं? कोल्ड कॉफी थी यार। ओम भैया जाने दो ना, भूल जाओ, फॉरगेट इट। आप शर्ट चेंज करके आओ प्लीज। अरे कैसे भूल जाऊं, वो तो भाग गया इसलिए बच गया, लेकिन बस मेरे सामने एक बार आ गया ना, सेक्शन 358/8 के तहत उसे सीधा फांसी के तख्ते पे लटका दूंगा। मेरा क्या छोड़िए। सॉरी, लेकिन उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मेरे सामने आ जाए। माफ कर दीजिए। च्युइंगम खा रहा है? नहीं, माफ कर दीजिए भैया उसे। हाँ यार, कैसे माफ कर दूं, उसकी तो खैर नहीं अगर मेरे सामने आया तो। ओम भैया आप कितने रहम दिल इंसान है, है ना? तो जाने दीजिए, आप सिर्फ शर्ट चेंज कर लीजिए। कूल हाँ? जेम्स, उससे बदला लेने के बाद मैं रहम दिल बनूंगा, समझा ना? उस आदमी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार सामने आ जाए। भैया रिलैक्स रिलैक्स, शर्ट चेंज कर लीजिए। चाहिए? हाँ करता हूँ यार, वैसे स्मेल भी आ रही है। जेम्स प्लीज, वो मेरी हाँ पिंक वाली शर्ट मेरे बेडरूम में भेज देना प्लीज। आप चेंज कर लीजिए। रिलैक्स जे। क्या? पिंक वाली शर्ट? वो तो मैंने वीरेंद्र भैया को दी है। क्या? क्या होगा? भाई साहब सुनिए, वीरू वीरेंद्र जी, तमीज में रहो जी। कुछ भी कहते सुनिए भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ कि हॉल की तरफ क्यों जा रहे हैं, इधर बेडरूम में बैठते ना। अच्छा,
अब तुम वीरेंद्र सिंह देओल को ये बताओगे कि बेडरूम के अंदर कब जाना है और हॉल में कब जाना है। नहीं बदतमीज, तुम अपनी औकात में रहो और मुझे करने दो वो जो मुझे करना है। सुनिए सुनिए भाई साहब प्लीज प्लीज ये शर्ट बदल लीजिए ना प्लीज। क्यों, क्या बुराई है शर्ट? तुम तब से इस शर्ट के पीछे पड़े हो। अरे इतने सालों में पहली बार तो ये पिंक कलर मुझ पर सूट कर रहा है और देखो मेजरमेंट भी एकदम पूरी बराबर है। मेरी बहन ने इतने प्रेम से मुझे दिया और तुम क्यों क्यों कह रहे हो कि शर्ट चेंज करो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रामायण में महाभारत मिक्स हो। ये तुम्हारा दिमाग तो सही है, रामायण में महाभारत ये क्या बकवास कर रहा है? देखिए आप प्लीज मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। अंतिम क्या है वो इच्छा? ये शर्ट बदल दो। एकदम बच्चों की तरह बात करते हो। ठीक है जाओ जाओ दूसरी शर्ट लेकर आओ, पर देखना नाप यही हो। हाँ। इसी तरह की फिटिंग। जी जी ठीक है, जल्दी जाओ। अब यही रुकना। हाँ आप कहीं जाना मत, मैं भी आता हूँ। अब जाना मत। क्या हो गया इस देश को? एक और मैं पावर में आ जाऊँ ना तो पूरे देश का नक्शा बदल दूँगा। क्या हो रहा है? एक चीज शर्ट है, बार बार चेंज कर रहे हो। कह रहे पता नहीं मेरी फेवरेट पिंक शर्ट कहाँ चली गई। गंगा ने मुझे प्रेजेंट दी थी यार, वो शर्ट कहाँ रखी? पता नहीं मुझे बार बार यही चेहरा क्यों नजर आ रहा है। तुम तो बोल भी रहा है, इसका मतलब ये वाकई मेरे घर में। यू नॉनसेंस, याद आ गया? डबल नॉनसेंस, तू मेरे घर में क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? तू चला जा यहाँ से वरना। वरना क्या करेगा? वरना सारे दांत तोड़ दूँगा। मैं तेरे दांत तोड़ दूँगा। एक मिनट जेम्स, मैं इस बदतमीज को तमीज सिखा रहा हूँ। एक मिनट। चल गई रामायण में महाभारत। पीछे शर्ट। अरे शर्ट आप कर रहे हैं? रुकिए। जय मुझे बता, ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा है? ये बेवकूफ नहीं है। और तो क्या हुआ? बेवकूफ तो है। अरे मेरे फेवरेट कलर की शर्ट इसने पहनी, तो क्या हुआ? आर्मी की शर्ट है। क्या मतलब बेवकूफ? चोर भी है। चोर? मेरी शर्ट उठा। चोर मैं शर्मा। तू वहाँ से बच के भाग गया, यहाँ से बच के नहीं जा सकता। भैया एक मिनट पीछे हट। अरे पीछे हट। पीछे हट। अबे तू यहाँ देख, मैदान में आ जा। नहीं है, मैं भी बॉक्सिंग चैंपियन था। ये कब थे आप? अरे जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब। अरे जेम्स मैं तो समझदार हूँ, इस ना समझ को समझ सिखा रहा हूँ मैं। Shut up, you! ये तो भैया सॉरी। गद्दार बेवकूफ को सॉरी बोल रहा है। नहीं भैया ये गद्दार नहीं, ये जेम्स का कजन है। ओम भैया ये मेरे कजन है वीरेंद्र भैया, और ये मेरे ब्रदर इन लॉ है ओम भूषण। अब तो बंद कीजिए प्लीज। जेम्स ये तुम्हारा कजन है? राइट। बेवकूफ कजिन है। खैर जैसा भी हो तुम्हारा कजिन है, इसलिए छोड़ रहा हूँ इसे। समझा ना वीरू? वीरू मत बोलना। हाँ मैं बोल देता हूँ। तुम भी इसलिए बच गए क्योंकि तुम जमुना के जेठ हो। वरना बदतमीजों को सबक सिखाना मेरे भाई हाथ का खेल है। कजरारे तेरे काले काले नैना, कजरारे कजरा। ओह सॉरी सॉरी। अरे ये क्या कर रहा है यार? खुदकुशी कर रहा है। नीचे लग जाएगा। नीचे रखो पाजी। धीरे यार, कांच है टूट जाएगा। चलो जैम से यार जल्दी लाओ। हाँ चलो भाई खाना खाते हैं। ओहो राजमा चावल, क्या बात है जी, क्या बात है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जेम्स। थैंक यू। हाँ हाँ होल्ड ऑन। प्रार्थना प्लीज। आप कीजिए। जेम्स आई टेल यू, बहुत अच्छा खाना पाना सीख गई हो तुम। गंगा जैसा, बिल्कुल एग्जैक्टली गंगा जैसा। आप लोगों के घर में खाना खाने से पहले कोई प्रार्थना नहीं करता है क्या?
नहीं नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा ही खाना बन रहा है। लो जी खाओ जी, खाओ खाओ खाओ। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा खाना बना है। हूँ क्या? मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगा क्या? बोलो कुछ। हूँ क्या? और जय को क्यों मार रहे हो? कुछ थैंक यू वैंकू बोलोगे कि नहीं? भैया भैया, एक क्या हुआ? वो क्या है ना कि वीरेंद्र भैया को खाना खाते वक्त बात करना अच्छा नहीं लगता। ओह अच्छा, क्या? आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि आपको खाना खाते वक्त बात करना अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे पता होता कि आपको खाना खाते वक्त बात करना अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल बोलता ही नहीं। लेकिन यार, अगर आपको खाना खाते वक्त कि भैया आपको पता चल गया ना? देखिए भैया, आप प्लीज अपना मुंह बंद कीजिए और खाना खाइए, और हमें भी खाने दीजिए प्लीज। मैं मुंह बंद करके खाना खाता हूँ, लेकिन खाना खाते वक्त आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। थैंक यू। यार मुझे बताओ, वो तेरा दोस्त कौन है यार? वो मोटा सा है जिसके नाक भी गोल दिया। संजय? नहीं संजय नहीं यार, वो तो काला है, वो तो गोरा सा है वो। राकेश? हाँ राकेश, राकेश यार, राकेश। मैं कह रहा हूँ राकेश तो बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है। क्या बात करे भैया, राकेश की अगले महीने तो शादी है। इसलिए तो कह रहा हूँ। सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि खाना खाते वक्त आपसे बात नहीं करनी थी। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। एक्सक्यूज मी वीरू, आई विल जस्ट कम। वीरेंद्र भैया, वीरेंद्र भैया, आर यू ओके? लैपटॉप कर मी। नो, इट्स ओके, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग ओके। आप लोग बैठ के खाना खाइए प्लीज। बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए, जल्दी बैठ के खाना खाइए। हाँ हाँ, मैं ही वीरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। क्या? ओह नो, नहीं नहीं, टिकट नहीं मिली। ओह माय गॉड, लगता फिर से दिल का दौरा। लाफ्टर थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी। अभी ठीक है, अब बोलिए। अरे मैं हंस नहीं रहा था। हाँ ठीक है, बार बार सॉरी बोलने की जरूरत है, फोन रखो। कमाल है, अब ठीक है, क्या करूं मैं? क्या हुआ वीरू? वीरेंद्र भैया, मेरी आज रात की फ्लाइट कैंसिल हो गई, बताओ। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या? बहुत अच्छा हुआ, कम से कम इस बहाने हम आपके साथ एक दिन और बिताएंगे। नहीं 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 नहीं, मेरा आज जाना बहुत जरूरी है, वरना मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डील कैंसिल हो जाएगी। ओह माय गॉड। अच्छा, मैं ट्राई करूं? जेब, लगता है इस बार तुम कर पाओगे। ठीक है ठीक है, जा ट्राई, जल्दी जल्दी जल्दी, गुड बाय। यस सर, गॉड, डील कैंसिल हो गई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ओह माय गॉड। टिकट हुई कि नहीं मेरी? वीरेंद्र बोल रहा हूं मैं, नहीं हुई। ट्राई ट्राई प्लीज ट्राई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, यही तो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं हुआ। ओह टिकट, जय, कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं बाप, दिल्ली जाने वाली सारी फ्लाइट बुक है। अरे यार, टिकट ऐसे ही नहीं मिलती। वीरू? वीरू नहीं, वीरेंद्र है मेरा नाम। हां भाई वीरेंद्र। यार उसके लिए कुछ पैसे खिलाने पड़ते हैं। देखिए देखिए, आप, मैं गलत काम नहीं करता, समझ में आया? मैं गलत काम नहीं करता। इसे गलत काम नहीं कहते, इसे कहते हैं लेन देन, लेन देन। हाँ यार, मैंने गलत क्या कहा इसमें? मैं तो प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। ओ लगता है तुम बुरा मान गए। ओके सॉरी सॉरी वीरो। वीरो ए सुनो, ए मिस्टर वीरू, बोलकर तुम इस तरह से आसानी से चले जा रहे हो। तुम्हें पता नहीं है तुमने किसको वीरू कहा है, तुम्हें पता नहीं है। वीरेंद्र भैया, वीरेंद्र भैया, ओम भैया से गलती हो गई होगी, उनका ये मतलब नहीं होगा। हाँ मैं झूठा,
वो तुम्हारा जेठ है, इसलिए वो इस तरह से वीरू कह के चला गया है। तुम तो जानती हो, गांव में अगर कोई मेरा नाम आधा करके मुझे पुकारता था तो मैं उसका सब आधा मुंडवा देता था। ये तुम्हारा जेठ मुझे वीरू कह के यूं आसानी से चला गया और मैंने कुछ नहीं किया। रिलैक्स भैया, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। व्हाट डू यू मीन रिलैक्स? वीरू, कॉल मी वीरू। माय फोन। मेरा बज रहा है। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ जी। थैंक यू सो मच मैम। क्या हुआ? आपकी टिकट कंफर्म हो गई। मेरी टिकट कंफर्म हो गई? ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू जैन, यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कर लोगे इस बार। गुड, वेरी गुड। मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। वेरी गुड, यस। हेलो जी, ओम भूषण तो बिजी है, एनी मैसेज? हाँ, कल की दिल्ली की टिकट्स। व्हाट, कैंसिल करवा दी? थैंक यू। चलो जेम्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी मुश्किल से टिकट मिली है, फ्लाइट मिस ना हो जाए। लेट्स गो। ओह, लगता है जाने की तैयारी हो गई। जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मिस्टर ओम भूषण। जाने दीजिए ना भैया। अरे जाने नहीं, देखो पता नहीं तुम्हारा आपके घर कब आना हो, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा आदमी अपनी जिंदगी में देखा नहीं। और भैया देखोगे भी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में सिंगल पीस है ये ओम भूषण। जन्ना, आज के बाद मैं तुम्हारे इस घर पर कभी नहीं आऊंगा। जितना सुना था ना मैंने तुम्हारे घर के लोगों के बारे में, सब झूठ था। सच था? सच नहीं था, झूठ। आपने जो कुछ भी सुना था वो सब सच था। सच? आपको पता है आज जो आप अपनी अर्जेंट मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहे हैं, वो सिर्फ ओम भैया की वजह से। क्या? तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये जो मेरी टिकट कंफर्म हुई है, ये ओम की वजह से? सच बताइए ओम भैया, आपने अपनी टिकट कैंसिल करवा के वीरेंद्र भैया को दे दी ना? नहीं तो ओम भैया, मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, आपने अपनी टिकट वीरेंद्र भैया को दे दी। तो फिर आप वीरेंद्र भैया से लड़ते क्यों रहे? जो इससे लड़ता है वो एडवोकेट ओम भूषण है, और जिसने इसे अपनी टिकट दे दी वो जेम्स का बड़ा भाई ओम भूषण है। जमुना, बहुत भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे मैं जिंदगी भर डिसिप्लिन सीखता रहा, और यहां तुम्हारे घर आके मैंने प्यार सीखा। अब मुझे यहां और ज्यादा आना होगा। अरे भाई नॉट, तुम्हें रोका किसने है वीरू? अरे यार, आई एम सॉरी, वो क्या? हाँ, लाफ्टर थेरेपी। यार वीरेंद्र, नहीं, अब मुझे लाफ्टर थेरेपी की जरूरत नहीं, प्यार की जरूरत है। एक बार और कहो ना वीरू, प्लीज। अच्छा लगता। एक बार क्यों, दो बार कहता हूं वीरू, आ जा।